अंतर्गत निबिहा गांव में जंगल में युवक का नर कंकाल मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शरीर का पूरा मांस गल चुका था। फॉरेंसिक जांच के बाद ही तय होगा मौत का कारण। कई दिन पुराना नर कंकाल मिलने से मऊगंज थाने के निबिहा गांव में फैली सनसनी। नर कंकाल काफी पुराना। नर कंकाल देखने से लग रहा है नर कंकाल किसी युवक का। उसके हाथ में लोहे का मोटा कड़ा उसके आधार पर कहा जा सकता है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम कर रही है जांच। रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत निबिहा गांव स्थित पहाड़ी क्षेत्र में एक नर कंकाल देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने मऊगंज पुलिस को दी। मऊगंज पुलिस ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और मौके पर पहुंच गई जांच करने। फिलहाल आज सुबह एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, बारीकी से जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार नर कंकाल काफी पुराना दिखाई दे रहा है। शरीर में मांस पूरी तरीके से गल चुका है। हड्डियों के ढांचे के अलावा और कुछ नहीं बचा। पुलिस अब इन हड्डियों को ढांचे को एकत्र करके फॉरेंसिक जांच के लिए इसको रीवा के मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी कर रही है। अब फॉरेंसिक जांच के बाद ही तय हो पाएगा इस युवक की मौत कैसे हुई, किस तरीके से यह युवक मौत के मुंह में समा गया। हैरानी की बात है, काफी पुराना होने के बाद भी यहां पर किसी की नजर भी इस ढांचे पर नहीं पड़ी। पूरी तरीके से जब मांस गल गया तब चरवाहों ने देखा और पुलिस को जानकारी दी। मऊगंज में एक जंगल में नर कंकाल मिलने की सूचना है। ये सूचना कल आई थी, पुलिस वहाँ पहुँची है। वो काफ़ी पुराना शव दिख रहा है, उसमें जो है मांस उसके ख़त्म है और केवल हड्डियों का ढांचा है वो, और कुछ कपड़े हैं। आज सुबह जो है हमारी एफएसएल टीम मौके पर रवाना हो गई। कल सुरक्षा के लिए वहाँ दो आरक्षक थे और एसडीओपी मऊगंज, पीआई मऊगंज मौके पे हैं और एफएसएल टीम मौके पे है। आसपास जो है उसकी सर्चिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको क्या कैसे घटना हुई है। इसके संबंध में एक मर्ग रजिस्टर्ड किया गया है, मर्ग की जांच की जा रही है। जो शव है उसका पीएम मेडिकल कॉलेज रीवा से कराया जाएगा। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है कि वो व्यक्ति कौन है।